हेलो फ्रेंड्स, ये ग्रो बैग अभी बनाया है। हम ग्रो बैग कम मिट्टी में कैसे भर सकते हैं, बस आज मैं वही दिखाती हूँ। और ये इतना बड़ा ग्रो बैग है, जो चावल की बैग आती हैं 30 kg महाराजा, ये बहुत अच्छा क्वालिटी रहता है इस बोरे की। तो एक साल तक बहुत अच्छा इसमें हम सब्जी वगैरह पेड़ कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और इसमें हम कैसे मैं भरती हूँ, मेरा तरीका कैसे है मैं वही बताती हूँ। ये देखिए, ये सब मैं उसके अंदर डालूँगी और हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ। ये भगवान के अभी निर्माल ने मैंने पॉलीथीन में जमा करके रखे। ये जो अपने गार्डन का पूरा सूखा कचरा निकलता है, ये नारियल के छिलके और मिट्टी, ये सब मैं नीचे डालती हूँ। और कुछ दिन के बाद इसका कंपोस्ट बन जाता है और हमें कम मिट्टी भी लगती है और बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है। मैं काफ़ी साल, एक साल से मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। मेरा बिल्कुल मिट्टी की मुझे ज़्यादा गरज नहीं पड़ती है। मैं पूरा कचरा इसमें डालती हूँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये जो अपने अमेजोन से ये जो आते हैं पैकिंग के, इसमें कार्बन का काम हो करता है, खड्डे बहुत बढ़िया और मिट्टी भी कम लगती है। अभी मैं एक एक करके भरती हूँ। आप इसका पहले नीचे का अच्छे से ये डाल दीजिए। मैं एक ही हाथ के से शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा रुक रुक के मैं बना रही हूँ वीडियो। तो ऐसे ही एक एक ऐसे डालते जाइए, फिर उसके ऊपर नीचे ये कचरा डाल दीजिए पूरा, जो भी अपने घर का निर्माल रहता है, कचरा रहता है, ये पूरा डिकम्पोज हो जाता है कुछ दिन के बाद। फिर इसके ऊपर थोड़ी मिट्टी, थोड़ा पूरा सूखा कचरा, ऐसे थोड़े से खड्डे, थोड़ा सा अपने गीला सूखा वेस्ट, ये देखिए ऐसे जमा करके रख दीजिए। सब सब्जियां वगैरह पूरा अपने घर के ही हैं, और जो भी वैसे प्लास्टिक निकलते हैं उसको ऐसे फेंक दीजिए। बहुत बढ़िया काम करता है ये। देखिए पूरा मेरा गेंदे का फ्लावर्स का ये डहनिया है, और ये अपना पूजे का निर्माल है, जो भी अपना भगवान का सामग्री रहता है निर्माल, वो सब डाल दीजिए। इससे क्या होता है, मिट्टी भी बहुत कम लगती है और पेड़ों के लिए ना बहुत अच्छा रहता है। उसमें साफ भी प्रकार के फल रहते हैं, फूल रहते हैं, सब सब नामना है, कहीं रहता है विटामिन्स रहता है सबके अपने अपने। बहुत बढ़िया खाद बन जाता है। और मैं थोड़ा एक एक डाल रही हूँ, और इसके बाद और थोड़ा सा लेयर हम मिट्टी के डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिट्टी बनाई है, इसमें रेत डाली है, बाद में मैं ऊपर और ये थोड़ा मिट्टी रेत ये सब डाल के गोबर की खाद, फिलहाल मैं यही डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने रेत डाली है, ये ऑलरेडी गमले की मिट्टी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पहले का भी गोबर का खाद ये सब मिला हुआ है। मैं इसमें करंट 50% में पूरा कचरा भरती हूँ और 50% से कम मिट्टी डालती हूँ, फिर गोबर का खाद बाद में डालती हूँ। ऐसे मैं पूरा करती हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और 15 दिन में ये और पूरा कंपोस्ट हो जाता है। उसमें पानी डालना है, थोड़ा सा दही का ये खट्टी छाछ का वो लिक्विड भी डाल सकते हैं, या आप अपना जो भी बायो इंजॉय वगैरह कुछ बनाए रखते हैं हम लोग फर्टिलाइज़र, तो वो भी हम लोग डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया अपना किचन वेस्ट से बहुत बड़ा बढ़िया पेड़ लगते हैं। मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ। अभी मुझे विंटर में अब एक और ग्रो बैग बनाई हूँ मैं, ये देखिए ये ज़्यादा ही नहीं है, ये उसमें मैं पालक लगाऊंगी सेम ऐसे ही, इसे पूरा इसमें खड्डे भरूंगी, फिर वही सेम प्रोसेस। तो ये देखिए पालक ये 6-7 इंच का करीब ये है, और बहुत बढ़िया है। मार्केट से हम लोग लाते हैं तो बहुत महंगी हो जाती है, हम इसे घर में बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। एक सर्कल काट दीजिए, ये 60 इंच का नीचे का सर्कल है, और उतना ही आपने को जितना एक ये लेना है उतना ही 60 इंच का एक पट्टी काट लेने से, और सिलाई कर दीजिए। मशीन से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया आसान 10 मिनट में अपनी ग्रो बैग बन जाती है। बहुत बढ़िया से मैं ऐसे ही बाकी जो खड्डे बचे हैं तो मैं फिर इसमें एक पेड़ लगाऊंगी, जो मैंने गुलदाउदी का पेड़ है लास्ट ईयर का, मैं वही पेड़ इसमें डालूंगी लगाऊंगी। बहुत बढ़िया मेरा वो पेड़ हो गया था। ये देखिए यही मैं शिफ्ट करूँगी, ये मेरा लास्ट ईयर का है, ये देखिए पूरा ख़राब हो गया। अभी इसी को मैं उस पे ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगी।
बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, आप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन अपना जो कचरा रहता है किचन का, गार्डन का, वो सब उसमें चला जाता है, पता भी नहीं चलता हमारा इतना सारा कचरा कहाँ चला गया। दिखने में इतना ज़्यादा दिखता है लेकिन ना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो पूरा सड़ के गल के थोड़ा सा हो जाता है। तो मेरे तो सारे ही ग्रो बैग में ही बने हैं, मैं सभी ऐसे ही किए हैं। किताबें भी डाल सकते हैं आप, रद्दी का सब कुछ इससे डाल सकते हैं। देखिए इतना बढ़िया रिजल्ट आ गया है। सेम ऐसे ही करती हूँ मैं, क्योंकि कार्डबोर्ड के टुकड़े बहुत पड़े रहते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।